एवरीवन, आज मैं आप लोगों को लिट्टी और आलू की दही वाली चटनी की रेसिपी बता रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए मैं पहले उसका आटा बना लूंगी। इसके लिए मैंने ये एक कटोरी मैदा और ये एक मैं गेहूं का आटा भी इसमें मिक्स करती हूँ। अगर आप चाहें तो सिर्फ मैदे में भी बना सकती हैं। तो मैं एक कटोरी मैदा और एक कप गेहूं का आटा लिया है, सेम एक कटोरी ही हो जाएगा। इन दोनों को मिक्स करके उसमें आधा चम्मच ये चुटकी भर, आधा चम्मच नहीं, ये छोटे चम्मच, ये बेकिंग पाउडर, ये अजवाइन, इसको क्रश करके डालूंगी आटे में, ये कलौंजी और नमक स्वाद के हिसाब से डाल के उसमें 2 टेबल स्पून घी, क्योंकि मोइन डालने से तो वो मुलायम, उसकी खास्ते बनी रहेगी, वो डाल के इसको गूथ लूंगी। मैं बताती हूँ ये गूथ क्या, और इसको गूथ के आधे घंटे के लिए छोड़ना है, इसलिए मैंने ये देखिए इसको गूथ के ये रख दिया है, जिससे कि ये पूरी तरह से मिल जाए। ये देखिए मेरा आटा पूरी तरह से, इसको ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। अब मैं इसके मोइन के लिए भरावन के लिए सत्तू तैयार करूंगी। ये चने की सत्तू है, अगर आपके पास चने की सत्तू तो मिल जाती है, अगर नहीं मिली तो आप भुने हुए चने ले लीजिए मार्केट से, उसको भी पीस के आप सत्तू बना सकते हैं। इसमें मैं ये अदरक, हरी मिर्ची और ये लहसुन, आपने जितना सत्तू लिया उसके हिसाब से इसको दरदरा करना है, पूरा महीन नहीं करना है, दरदरा पीस के मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए इस तरह से, पानी नहीं डालना है, तीनों को क्रश कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, अब मैं इसको ये चने की जो सत्तू ली है उसमें डालूंगी और थोड़ी सी बचा के रखूंगी। इसको आलू की जो मैं चटनी बनाऊंगी उसके लिए मैंने उसमें ज्यादा आलू नहीं, एक आलू को बॉईल करके मोटे मोटे टुकड़ों में तोड़ना है, उसमें थोड़ी सी डालूंगी। अब मैं सत्तू में ये अजवाइन को ऐसे क्रश किया और ये डाला, ये कलौंजी को भी छोटी छोटी चम्मच ऐसे डालना है स्वाद के हिसाब से। इसमें मैं रॉक सॉल्ट यूज करती हूँ तो डालती हूँ, अब जो स्वाद के हिसाब से, और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, काला नमक भी इसमें डालूंगी। ये देखिए चुटकी भर। अब मैं इसमें एक प्याज को महीन काटा है वो डाल दूंगी और ये कटी हुई हरी धनिया, और ये मैं इसमें अचार के मसाले, ये देखिए ये अचार के मसाले एक चम्मच डालूंगी। ये मैंने एक नींबू लिया है, उसके रस को निचोड़ के मैंने नींबू का रस निचोड़ा, एक नींबू का। अगर आपको नींबू नहीं पसंद है तो आप अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन ये नींबू में ही ज्यादा अच्छा रहता है। अब मैं इसको ऐसे मिक्स करूंगी और 1 टेबल स्पून मैं ये सरसों का तेल इसमें डालूंगी, कच्चे सरसों का तेल। इसे ऐसे मिक्स किया और देखिए ये ऐसे मुट्ठी बंद रहा कि नहीं, स्टेप्स अगर नहीं बंद रहा तो इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, हल्का मार के ऐसे डाल के फिर इसको मिक्स करूंगी। ये देखिए ये मैंने भरावन के लिए ये सत्तू लिट्टी के लिए तैयार कर लिया, ये ऐसे देखिए, क्योंकि अगर ऐसा ये ऐसे हाथ से बंधेगा नहीं तो जब मैं भरावन डालूंगी ना तो वो फूट जाएगी लिट्टी मेरी। ये देखिए इस टाइप से करना है। अब मैं आलू की चटनी बना के दिखाती हूँ दही वाली। इसके लिए मैंने ये देखिए ये एक कटोरा दही लिया है, इसको मिक्स करूंगी अच्छी तरह से, फेंट लूंगी दही को
और कटी हुई धनिया की पत्ती, इस कच्चा सरसों का तेल कच्चा डालना है, उसको पका के नहीं डालना है। पहले मैं इसमें ये नमक डालूंगी, और मैंने जो अदरक हरी मिर्ची और लहसुन की जो मैंने सत्तू में डाला वो बचा के रखा था वो डाल दिया, और ये मैं पीली सरसों जिसे भिंगो के रखी हूँ उसको पीस के इसमें मिक्स करूंगी। मैं दिखाती हूँ आपको, ये दही को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ये डाला, और ये पीली सरसों येलो मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं उसको मैंने पीसा इसमें। इसे मैं मात्र ये देखें ये एक चम्मच, ज्यादा नहीं डालना है, ये पतला पीसा है मैंने, ये देख सकती है ये दो चम्मच। अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी ऐसे। मैं इसमें ये ये सरसों का तेल, ये देखिए मैंने एक टेबल स्पून सरसों का तेल इसे मिक्स किया, और साबुत जीरा और मिर्ची का पाउडर भुना हुआ ये थोड़ी सी, ये डाल, कटी हुई धनिया की पत्ती। अगर आपको लगता है कि हरी मिर्च की जरूरत है तो आप काट के डाल सकती हैं, वैसे मैंने क्रश करा हुआ हरी मिर्च डाली है तो ये ऑलरेडी तीखा होगा। अब मैं इसमें तड़के लगाऊंगी, मैंने छोटी चम्मच सरसों का तेल, एक चुटकी राई, दो से तीन लाल मिर्च इसको तोड़ के रखूंगी, और कड़ी कड़ी पत्ते डाल के ये मैं इसमें ये तड़का डाल दूंगी। ये देखिए मैंने डाल दिया, और इसको ऐसे मिक्स करूंगी। ये मेरी आलू और दही की चटनी, ये मैंने कढ़ाई गैस पे रखा गर्म, अब मैं इसे फ्राई करने के लिए तैयार हूँ। ये देखिए मैंने ज्यादा तेल नहीं डालना है, रिफाइंड डालनी हो, अगर आप घी में भी इसको पूरा फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये फ्राइड लिट्टी बना रही हूँ। अगर नहीं, अगर आपके पास घी की क्वांटिटी कम है तो आप ये रिफाइंड जो डाला है ना उसमें ये एक चम्मच आप घी मिक्स कर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि पूरी लिट्टी में घी की खुशबू आएगी। ये देखिए मेरा मेरे आटे का डो बन के तैयार है अच्छी तरह से, और इसे आप आधे घंटे पहले कम से कम बनाएगा जिससे कि पूरी तरह से मेल्ट हो जाए और इसकी खास्ते बने रहे, क्योंकि ये कचौड़ी है, कचौड़ी लिट्टी काफी मुलायम होती है। इसे देखिए मैंने इसे हाथों से मिला लिया, अब इसकी लोई काटूंगी, छोटी सी लोई लूंगी, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी लोई लेके ऐसे गोल बना के इसे मैं इस तरह से, और इसकी जो ये गोली बनाऊंगी मैं ये एकदम पतला होना चाहिए। ये देखिए ये मैं किस तरह से इसे पतला और ऐसे बॉल शेप में बना रही हूँ, ये देखिए बन गया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये घी लगाऊंगी, अब इसमें भड़ावन दूंगी मैं, ये देखिए ये सब कुछ है मैंने इसको, इसमें चाहिए क्वांटिटी अब आराम से अपने हिसाब से जिससे कि फूटे नहीं, क्योंकि इसको भी तो फ्राई ही करना है। ये देखिए, और इसकी गोली जो बनाया है ये ध्यान रखना है उसको सीधे नहीं मोड़ना है, इसको ऐसे ऐसे हाथों से घुमा के फिर इसको ऐसे करके ऐसे जैसे ऐसे कर इसको ऐसे गोल गोल करके ऐसे करके ऐसे रख सकती है, या इसको आप हल्का सा ऐसे हाथों से चपटा कर दें। ये देखिए ये हल्के से हाथों, ये तेल मेरा ये गैस को हाई फ्लेम पे करके तेल को गर्म करूंगी। ये देख लेती हूँ मेरा, ये देखिए तेल मेरी पूरी तरह से गर्म हो गई है, अब मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। मैंने जो ये भर के तैयार किए हैं लिट्टी, अब मैं इसको डालूंगी मीडियम फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है, इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, एक तरफ हो जाए तो दूसरी तरफ पलट के इसको टाइम लगता है, नहीं तो अंदर कच्ची रह जाएगी। ये देखिए ये सारी लिट्टी मेरी ऊपर आ रही है, और मीडियम फ्लेम जैसे ही रहेगा ना तो ये पूरी तरह से अच्छी तरह से पकेगी। ये देखिए ये मैंने इसको पलटा है, ये देखिए, ये देखिए मैंने इसको ऐसे पलटा है, अब मैं कम पे इसको तल के दिखाती हूँ आप। ये देखिए ये मेरी लिट्टियाँ सारी किस तरह से पकी।
ये देखिए ये मेरी लिट्टियां पूरी तरह से तैयार है और ये आलू की चटनी मेरी बन के तैयार है खाने के लिए। ये अब इस रेसिपी से आप लोग जरूर बनाइएगा और जिनको पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।